हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्वीट पी प्लांट के, फ्लॉरिंग प्लांट्स केयर के ऊपर। आज वीडियो होगी है, तो आज अगर आप अपने गार्डन पे इसे लगाते हैं या आप नर्सरी से लेके आते हैं, इसकी फुल टेकिंग केयर कैसे करनी होती है आज की वीडियो में आप ये जानेंगे। अगर आपने इस प्लांट को लगाया है तो आप वो भी जान सकते हैं कि आगे किसकी केयर कैसे करनी होती है। तो जनरली ये जो प्लांट है दोस्तों, स्वीट पी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिल्कुल जैसे मटर का प्लांट होता है, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स निकलते हैं उसके बाद जो इसमें स्पेंट हो जाते हैं फ्लावर, जो इसके सूखने के बाद जो इसमें सीड्स बनते हैं, वो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पास जो ये इस तरह के फ्लावर, ये तो नई फ्लावरिंग बर्ड्स आ रही है, पर ये जो स्पेंट फ्लावर्स हो जाते हैं ना उसके बाद, इस तरह ये मटर के दाने के जैसे बिल्कुल यहाँ पास इसके सीड्स बनने लगते हैं। तो और ये देखने में बिल्कुल जैसे मटर का पेड़ होता है उस तरह ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा जैसा पूरा नेचर ही पूरा उसी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसा उसका नेचर होता है उस प्लांट का ओरिजिनल वाले का। तो उसमें क्या होता है कि फ्रूट लगता है, पर इसमें क्या है, फ्लावर लगते हैं। बट ये जो है किसी एक दूसरे प्लांट्स के जो है सपोर्ट से ग्रो करते हैं, या किसी स्टिक्स के सपोर्ट से ग्रो करता है, या फिर आप जो है कोई रस्सियाँ बांध दें उसकी सपोर्ट से ये ग्रो बनता है। तो ये जो अपनी यहाँ पर ये देख रहे हैं स्टिक्स, इससे कॉइलिंग करता है और उसी के सपोर्ट से ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो मैंने जो है इसकी जब सीडलिंग वाली वीडियो है आपके साथ शेयर की थी कि कैसे इसके सीड्स जो है जर्मिनेट करना चाहिए और फिर कैसे लगाना है, तो इस बार मैंने परचेज़ नहीं किया है, सारे प्लांट जो है अपने गार्डन पे खुद ही रेडी किए हैं सीडलिंग के थ्रू। मैं बात करूँ इसके फ्लावर्स की, तो देखिए आप जो देख रहे हैं इसका फ्लावर इस तरह का निकल के आता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे डॉग फ्लावर हो, पर ये पूरी तरह से डिफरेंट है। इसमें कई सारे शेड्स मिल जाते हैं, आप नर्सरी में जब जाते हैं तो ऑरेंज, रेड, पिंक, वाइट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आजकल शेड्स में आने लगा, कलर्स में आने लगा है। तो आपको जो पसंद आता है आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप अपने आप जब नेक्स्ट विंटर्स आएगी तो उसमें आप जो इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो इसका जो प्लांट है ना, ऐसे ही हाइट का रहता है, बहुत ज़्यादा हाइट इसकी नहीं पड़ती है। और जो इसकी हाइट है दोस्तों, वो जो है मिनिमम 2 से 3 फीट तो रहती है। अब अगर आप इसे लैंड पे ग्रो कर रहे हैं या आप किसी बड़े प्लांट्स पे लगाएं, तो हो सकता है इसकी थोड़ा सा हाइट ग्रो कर जाए, क्योंकि एक सपोर्टिव प्लांट है, किसी के सपोर्ट से ही ग्रो करता है, तो ये ऊपर तक भी बढ़ सकता है। तो जनरली जो है इसको मैंने ऐसा अपने ग्रो बैग पर लगा दिया था साइड्स पर, जैसे मैंने आपको डेजी का प्लांट दिखाया था उसमें मैंने स्पेस खाली थी तो इसको यहाँ पर लगा दिया। तो इसकी जो अभी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आपको दूसरी बात इसमें और ध्यान में रखनी है कि जब इसके जो फ्लावर रहता है ना, जब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो इसके बाद जो इसके स्पेंट फ्लावर है उसको आपको कट आउट कर देना है। कट आउट करते रहेंगे तो क्या है कि पूरी जो पावर है नए प्लांट्स में, नई फ्लावर्स की जो है प्रोड्यूसिंग में लगा देगा प्लांट्स। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर वो सीड बनाने लगेगा, जैसे आप यहाँ पास देख रहे हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए इसे छोड़ दिया था। अगर सीड्स नहीं बनाना चाहते हैं आप, तो वहाँ से कट करने लगे, अगर कट नहीं करेंगे सीड्स बनेंगे, पूरी पावर सीड्स बनने में चली जाएगी, फिर प्लांट जो सोचेगा कि उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है तो नई फ्लावरिंग जो है प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। इसलिए अभी जो है इसका जो टाइम है, अभी इसको आप पिंचिंग करते रहें। अगर आपको ज़्यादा इसमें लीव्स की ग्रोथ दिख रही है तो लीव्स की भी आप थोड़ा थोड़ा पिंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कई बार ज़्यादा मिलने के कारण जो लीव्स ज़्यादा निकल आती हैं और उसमें फ्लॉरिंग उतनी नहीं हो पाती। तो ऐसा छोटी छोटी ट्रिक से आप अपने प्लांट्स में जो अच्छी फ्लॉरिंग पा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके सॉइल मिक्सचर की, तो देखिए जो है मैं इसको नॉर्मल जो अपनी गार्डन सॉइल रहती है उसी जो प्लांट मेरा लगा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं हाइबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है, और इसी प्लांट्स में मैंने थोड़ा सा स्पेस खाली थी तो लगा दिया वही सॉइल मिक्सचर जो मैं बताता हूँ। 50% गार्डन सॉइल आपको लेना है, 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड, इन तीनों का आप जो है मिक्सचर बना के लगाएंगे, बहुत ही अच्छा इसमें प्लांट्स ग्रो करता है। आप चाहें तो उसमें जो है कंपोस्ट के साथ साथ जो है उसमें थोड़ा सा कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास तो ऐसा लगता है इस एरिया पे ज़्यादा जब हीट बढ़ जाती है ना तो मॉइस्चर ज़्यादा ज़रूरत रहती है प्लांट्स को। तो अगर आप जल्दी जल्दी कई बार पानी नहीं डाल सकते हैं उधर, वैसे तो विंटर्स में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कई बार जैसे दो प्लांट्स लगे हैं ना तो वाटर इनटेक ज़्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी मैं बात करूं इसकी कि इसको वाटरिंग कैसे करनी है, तो देखिए अभी आप देख रहे हैं इसकी जो सरफेस है पूरी टॉप सॉइल, ये पूरी तरीके से वेट है, यानी कि मैंने कल ही इसको जो है शाम टाइम में पानी दिया था तो अभी पूरी तरीके से वेट है। अभी मैं इसको फिर वही आज शाम के टाइम में पानी दूंगा, अभी मैं मॉर्निंग में आपके साथ वीडियो ये शेयर कर रहा हूँ, तो अभी ये पूरा दिन आराम से चल जाएगा।
जब समर ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने लगती है फिर हमें दो टाइम वाटरिंग करनी पड़ती है, दो टाइम में आपको जो है सुबह शाम दोनों वाटरिंग करनी पड़ती है, तभी आपका प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो करता है। बट इस प्लांट में क्या है, अभी ये कुछ ही दिन और चल पाएगा। और जनरली क्या है कि ये ऐसा प्लांट है, मैंने देखा है कि थोड़ा सा ना वार्मिश इसको कंडीशन भी पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा हल्की फुल्की जो है इसमें जब वार्म रहता है तो ये अच्छी तरीके से फ्लॉरिंग करता है। अब जैसे फरवरी का जो स्टार्ट हुआ है मंथ अभी, तो इसकी थोड़ा सा फ्लॉरिंग जो है ज़्यादा बढ़ी है अगर मैं कंपेयर करूँ जनवरी से, तो अभी मुझे ज़्यादा फ्लावर इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसकी थोड़ा सा ना ऐसा प्लांट है कि थोड़ा सा इसकी फ्लॉरिंग अभी और खींचेगी मार्च अप्रैल तक अगर आप अच्छी केयर करते हैं तो ये इसको लगाना बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, काफ़ी महीनों तक आपके जो है ये गार्डन पर इसी तरह टिके रहते हैं। बात करूँ उसकी लाइटिंग कंडीशन की, तो देखिए आपको इसको ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे मॉर्निंग की डायरेक्ट सनलाइट आए। सुबह की अगर लाइट मिलेगी इसे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है उससे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांट एक्सेप्ट कर पाते हैं और अच्छे अच्छे जो है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स बना पाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की जो लाइट रहती है उतनी हार्श नहीं होती और प्लांट उसे ईजिली एक्सेप्ट करते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस काफ़ी अच्छे तरीके से बना पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको और ख्याल रखना है कि इसे जो है ऐसी जगह पे ही प्लेस करना है जहाँ से 4 से 5 घंटे की जो है सिर्फ लाइट मिले। बहुत अगर ज़्यादा दिन तक भी पड़ा रहेगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही अच्छे से हीट टॉलरेंट कर लेता है। बट इसमें जो है थोड़ा सा ना इसके कलर फेडिंग की प्रॉब्लम आने लगती, कई बार बर्निंग की भी प्रॉब्लम आती है। तो देखेंगे आपकी जो पुराने फ्लावर्स हैं उसमें जो कलर है एकदम से डल हो चुके हैं, तो ये उसी का कारण है। मेरे यहाँ पास ऐसा जो फुल डे सनलाइट पर रहने वाले प्लांट्स हैं जो सुपर हार्डी प्लांट्स में आते हैं, उन्हीं के साथ मैंने लगा दिया। तो अब मैं इसे बार बार तो शिफ्ट नहीं कर सकता है, इसकी जगह चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने लगाया है तो आप उसकी जगह को चेंज कर सकते हैं, तो आपका जो है ये फ्लावर का जो लाइफ साइकिल है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक खिंच जाएगी। मैं बात करूँ दोस्तों इस प्लांट्स में पेस्ट वगैरह की, तो जनरली मुझे अभी तक तो पेस्ट देखने के लिए नहीं मिला है। और मैं टाइम टू टाइम जो है हर 15 से 20 दिन में एक बार जो नीम ऑयल का स्प्रे कर देता हूँ, तो प्लांट्स मेरे वैसे भी पेस्ट फ्री रहते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है तो आप उसे जो है ट्रीट कर सकते हैं नीम ऑयल से। अगर फिर आपके ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है तो फिर आप केमिकल सेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। एमीडा क्लोप्रेट का अगर आप स्प्रे करेंगे उसमें 3 से 4 ml आपको उसमें मिलाना है 1 लीटर बॉटल में और आपको स्प्रे कर देना है, तो उससे आपके प्लांट्स जो हैं एवर हेल्दी एवर ग्रीन बने रहेंगे। तो आपको वैसा करना पड़ेगा, तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्लांट्स आपके हमेशा जो है हरे भरे और खुश रहेंगे। दूसरी मैं बात करूँ दोस्तों इसमें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन का देखिए खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये जो है लिमिटेड टाइम्स के लिए जो है फ्लॉरिंग करते हैं, क्योंकि एक इनका सीज़न होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर पेरिनियल प्लांट्स पे नहीं आते हैं, तो इनको जो कम समय पे अच्छी फ्लॉरिंग फ्रूटिंग और ग्रोथ भी चाहिए होती है। तो उसमें आपको क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है देना बहुत ही ज़रूरी होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है प्लांट्स को ईजिली जो है मिल जाता है, रूट सिस्टम तक जाता है, तो जल्दी से काम करता है। तो इसकी जब इस ग्रोइंग स्टेज पर आपको ही स्टार्ट कर देना है, जब इसको शिफ्ट करते हैं आप तो उसके बाद जो है आपको 1 हफ्ते के बाद से ही आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें देना है हर 15 से 20 दिन के गैप में। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत सारे मैंने अपने जो है इस वीडियोस पर बनाए हैं, आपके साथ अब शेयर किए हैं अपने चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र मैंने बताया है, बहुत ही अच्छा वो काम करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें भरे हुए होते हैं। तो जो भी चीज़ की कमी हो रही है प्लांट्स में या जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उस स्टेज में प्लांट को, उसको वो मिल जाता है। कई सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जैसे जीवा अमृत वगैरह मैंने बताया है, और ऑर्गेनिक कुछ जो होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, जैसे कि सीवीड एक्सट्रैक्ट आप बोल सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिचेज होते हैं, तो प्लांट को उससे जो है मल्टीपल न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। आप वैसे तो एप्लीकेशन भी कर सकते हैं NPK वगैरह का, कभी कभी जो है मैं केमिकल एप्लीकेशन भी करता हूँ अपने प्लांट्स पर अच्छी फ्लॉरिंग पाने के लिए, क्योंकि जो है ऑर्गेनिक है वो तो काम करती ही है, बट आपको जो है केमिकल्स में भी जाना पड़ता है अच्छी फ्लॉरिंग पाने के लिए टाइम टू टाइम, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं NPK 19-19-19 का फोलियर के स्प्रे के थ्रू आप जो है इसमें अपने स्प्रे करेंगे तो प्लांट जो है जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं उसको, बजाय कि आप उसे जो है सॉइल मिक्सचर पे दें। तो फोलियर पे आप देंगे तो डायरेक्ट लीफ के कॉन्टेक्ट में आने से फर्टिलाइज़र जल्दी से प्लांट्स को ऊपर से ही मिलने लगता है।
तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यही कुछ जो है ऐसी बेसिक केयर्स रहती हैं इस प्लांट्स की, कुछ खास इसमें केयर करनी नहीं पड़ती आपको। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही सस्ते रेट में भी आपको नर्सरी में मिल जाता है। 30 से 40 रुपए का इसका प्लांट मिल जाता है। तो अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो अभी भी नर्सरी पे आपको ये मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ है और आप इसकी अगर केयर कर रहे हैं तो आप मेरे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा। अगर आपका जो भी कुछ क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, आप नीचे मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आने में प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और जो है चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो जो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ जिनके घर पे ये प्लांट लगा है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।